तो धन धान्य सुख और समृद्धि का वरदान देने वाला त्योहार है धनतेरस, और इस दिन नई चीजों की खरीदारी का विशेष महत्व होता है। कई ऐसी मान्यताएं हैं जिसे लेकर हम चर्चा भी करेंगे। स्टूडियो में इस वक्त हमारे साथ खास मेहमान मौजूद हैं जिनके साथ हम चर्चा करेंगे। और मैं आचार्य शैलेश तिवारी पूरे विश्व के सनातनियों को धनतेरस की हार्दिक शुभकामना देता हूँ। यह धनतेरस का जो पर्व है, यह धन की प्राप्ति का पर्व है, और धन सिर्फ आर्थिक धन नहीं बल्कि शारीरिक धन भी प्राप्ति का यह पर्व है। भगवान धन्वंतरी जो समुद्र मंथन के बाद भगवान धन्वंतरी की उत्पत्ति हुई, भगवान धन्वंतरी स्वयं जिस प्रकार कामधेनु गाय कामधेनु माता समुद्र से निकली, अमृत कलश लेकर के भगवान धन्वंतरी निकली। भगवान धन्वंतरी जो भगवान विष्णु के 12वें अवतार हैं, भगवान विष्णु के 24 अवतार में एक अवतार भगवान धन्वंतरी हैं, और भगवान धन्वंतरी जब समुद्र मंथन से अमृत कलश लेकर के निकलते हैं, उसके साथ साथ आयुर्वेद शास्त्र को भी लेकर के निकलते हैं। और भगवान धन्वंतरी आरोग्य के लिए बहुत सारे जड़ी बूटी भी लेकर के आते हैं पृथ्वी पर। भगवान धन्वंतरी का सबसे पहले आज पूजन का विशेष महत्व है। जो हम मुहूर्त की बात करते हैं, आज धनतेरस का जो मुहूर्त है, सायंकाल 5:47 से मुहूर्त प्रारंभ होगा। मेष और वृषभ लग्न से शुरू होकर के 7:45 तक यह विशेष महामुहूर्त रहेगा। इस मुहूर्त में आप भगवान धन्वंतरी की पहली पूजा करेंगे, इसके बाद धन के देवता भगवान कुबेर जी का पूजन करेंगे। भगवान कुबेर जी जो धनाध्यक्ष कहे गए हैं, भगवान कुबेर जी जो धनाध्यक्ष और देवताओं के फाइनेंस मिनिस्टर कहे गए हैं, इनकी पूजा का विशेष महत्व है। ओम कुबेराय नमः, ओम वितेश्वराय नमः, ओम धन प्रदाय नमः। भगवान कुबेर देवता जीवन में धन धान्य की प्राप्ति कराएं, आर्थिक समृद्धि दें, इसके लिए सबसे पहले कुबेर भगवान को आपके घर में, अगर भगवान कुबेर जी की मूर्ति हो अष्ट धातु की, पंच धातु की, चांदी की, सोने की, अथवा स्फटिक की, अथवा किसी भी प्रकार के अगर अच्छे पत्थर की कोई भी किसी भी प्रकार का अगर भगवान कुबेर जी की मूर्ति आपके घर में हो तो उनको स्थापित करें, भगवान कुबेर जी को स्थापित करें। और आज की विशेष महत्ता है, आज भगवान गणपति और महालक्ष्मी माता को आगमन के लिए विशेष इनविटेशन किया जाता है, और यह 5 दिन तक विशेष महालक्ष्मी पूजन की जाती है। अभी से लेकर के यानी आज धन्वंतरी पूजा से धनतेरस से लेकर के यह पूजा भैया दूज तक होता है, दीपावली पूजन जिसे हम दीपोत्सव कहते हैं, और महालक्ष्मी पूजन। बिल्कुल शैलेश जी, ये तो बात हुई, देखिए आपने महत्व बहुत ही ज्यादा बारीकी से हमारे दर्शकों को बता दिया है, लेकिन इस वक्त दर्शक सबसे ज्यादा जो जानना चाहते हैं वो ये कि आखिरकार आज के दिन खरीदे क्यों, क्योंकि आज के दिन धातु खरीदने का बहुत ही खास महत्व है। तो ऐसे में आज के दिन कौन सी धातु खरीदी जाए कि पूरे साल उनके लिए धन धान्य से भरा रहे उनका घर। बिल्कुल बहन, सबसे पहले मैं आपको बता दूं, एक टोटका सबसे पहले बताता हूं जिसमें महालक्ष्मी का आगमन निश्चित तौर पर होगा। 12:35 दोपहर से लेकर के 2 का जो विशेष मुहूर्त है, इस शुभ चौघड़िया में आप घर में 2 झाड़ू खरीद करके लाएं। झाड़ू जो है वह गंदगी को साफ करता है, झाड़ू जो है वह महालक्ष्मी के आगमन का इन्विटेशन है। तो आपके घर में धन धान की प्राप्ति होगी। झाड़ू के साथ नमक 2 kg लेकर के आइए, और उस नमक से आप पूरे वर्ष तक पोछा लगवाएं। नमक जैसे जैसे खत्म होता जाएगा, जो 2 किलो नमक है उसी में डाल करके पोछा लगता रहेगा। हर रविवार को घर में निगेटिविटी को दूर करने के लिए पोछा लगाने से बहुत ज़्यादा लाभ होता है। तीसरी बात, खड़ी हल्दी, आप धन की पोटली घर में बनाएं, उसमें खड़ी हल्दी विशेष लाभकारी रहेगा, खड़ी धनिया विशेष लाभकारी रहेगा, कमल गट्टा विशेष लाभकारी रहेगा, गुंजा विशेष लाभकारी रहेगा, और कौड़ी, ये इस प्रकार का एक आप धन की पोटली बनाएं। और चांदी और सोना खरीदने का आज विशेष महत्व है,
धनतेरस के दिन चांदी के सिक्के, सोने के जिसके सिक्के, जिसके जितनी औकात हो उसके आधार पर खरीदे, और सायंकाल में भगवान विशेष कुबेर देवता का पूजन करे, आरोग्यता की प्राप्ति के लिए भगवान धन्वंतरी का पूजन करे, भगवान धन्वंतरी आपको आरोग्य देंगे। ओम ओ ओम सिंदूरारुण विग्रहाम तिनाणाम मणिकमौली अस्पुरा तारणायक शिखराम अश्मित मुखीन मापीन बक्षोरुहाम पाणिभ्याम अलिपुरस्कम रक्तोत्पलम विभृतिम सौम्यार्तघटशरणाम ध्यात प्रांबिकाम अरुणाम करुणाम तरंगिताक्ष धृत पाशांग कुशपुष्पाण चापाम अणिमादिभिरावृताम अयिखैरमति भाव भवानीम ध्यायेत पद्मासनस्थाम विक्षित बदनाम पदम पत्रायताक्षीम हेमाभाम पीतवस्त्राम करकलितलशितभुवाम वरांगीम सर्वालंकारिकताम सततां अभयदां भक्तनम्रां भवानीं श्रीविद्यां शांतिमूर्ति सकलसुरूतां सर्वसंप्रदात्रीं सुकुंकुनबिल्पेन मलिकचुम्बकस्तूरकां समन्दिष्टदक्षिणां ससर्चापाशाङ्कुशां अशेषजन्मोहिनीं अरुणमालभूषाम्बरां जपाकुसुम्भासुरां जपविदोषवरमदिकां मातिपुरसुन्दरी राजराजेश्वरी की विशेष यह स्तुति गान करके आज के दिन कुबेर देवता को प्रसन्न करें। का विशेष रूप से धनतेरस के दिन भगवान धन्वंतरी को आरोग्यता के लिए प्रसन्न करें, और तीसरा किसको प्रसन्न करना है, महालक्ष्मी माता और गणेश जी को स्थापित करें, श्रीयंत्र का घर में स्थापना करें, और सबसे उत्तम बात वर्ष में एक बार पूजा की जाती है भगवान यमराज का, जो मृत्यु के देवता हैं। आप अगर यम का दीपक चार बत्ती का दीपक अगर आप कुबेर देवता और महालक्ष्मी का स्थापना धन्वंतरी के पूजन के बाद आप दीप दान करें, 5 दीपक का दान करें, दीपक के साथ अन्न फल मिठाई का दान करें, जिसे हम दीपदान उत्सव का प्रारंभ कहते हैं। 8:30 बजे सायंकाल से मुहूर्त शुरू है। इसके बाद मित्रों आप भगवान यमराज का 4 बत्ती का एक दीपक बनाएं, दीपक जो है यह पीली सरसों का अथवा तिल का तेल का दीपक हो, उस दीपक को आप घर का गृहिणी निकाल करके घर के गेट के दक्षिण भाग में उसको जलाएं, तो पूरे वर्ष घर के परिवार जो है वह अकाल मृत्यु से बचेंगे। आज का विशेष महत्व यह है कि पूरे वर्ष में आज के दिन दरिद्रता को भगाया जाता है, आज कुबेर देवता को बुलाया जाता है, महालक्ष्मी माता और गणेश जी को बुलाया जाता है, आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी की पूजा की जाती है, और मृत्यु के देवता भगवान यमराज का आज दीपक जला करके दक्षिण दिशा में उनकी पूजा की जाती है। विशेष रूप से एक महामंत्र दूंगा जो महालक्ष्मी माता को विशेष प्रसन्नता होती है, त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का श्री विद्या का त्रयक्षरी महामंत्र ओम श्रीम श्रियाई नमः, ओम श्रीम श्रियाई नमः। और दूसरा महामंत्र है ओम महालक्ष्मी च विद्महे विष्णुपति च धीमहि तंडो लक्ष्मी प्रचोदयात्, महालक्ष्मी गायत्री से बोलते हैं। और तीसरा महामंत्र है ह्रिंग श्रृंग क इल ह्रिंग ह स कह ह्रिंग स कल ह्रिंग, ये 3 महामंत्र को आज जप लें, आज पाठ कर लें, साथ साथ श्री सूक्तम का पाठ करें, कनकधारा का पाठ करें। श्री सूक्तम जो ऋग्वेद से लिया गया है, कनकधारा जो साक्षात भगवान शंकराचार्य द्वारा स्वरचित है, और ललिता त्रिपुर सुंदरी राजराजेश्वरी का ललिता सहस्त्र नाम का पाठ करें, तो निश्चित तौर पर पूरे वर्ष बिल्कुल निश्चित तौर धन की प्राप्ति होगी, पूरे वर्ष आपके लिए अच्छा रहेगा। शैलेश जी एक सवाल और है मेरा, आपने बहुत ही अच्छे से सब चीजें बताई कि क्या कुछ करना चाहिए, लेकिन क्या नहीं करना है आज के दिन, जिन चीजों का खास तौर पर ध्यान रखना है कि आपको धनतेरस के दिन ये चीजें नहीं करनी है, वो जरा एक बार दर्शकों को बताइए ताकि वो उन चीजों से भी बचे। देखिए आज क्या नहीं करना है, सबसे पहले आज किसी का दिल नहीं दुखाना, किसी का दिल नहीं दुखाना, और जो आपके जो हेल्पिंग हैंड हैं, जो आपके सबसे हेल्पिंग हैंड हैं, वह ड्राइवर होते हैं, आपके घर में काम करने वाली बाई होती हैं, जो झाड़ू पोछा करने वाली महिलाएं आती हैं, या आपके घर के कोई भी सदस्य नौकर हो या खाना बनाने वाले हैं, उनको आज कुछ न कुछ दे करके, कुछ न कुछ भेंट दे करके घर से भेजिए, खाली हाथ नहीं भेजना चाहिए। आज सबसे बड़ा टोटका यह है। दूसरा टोटका, जो दीपावली का उत्सव शुरू होता है, लोग जुआ खेलना शुरू कर देते हैं, जुआ नहीं खेलना चाहिए। दीपावली के उत्सव पर महालक्ष्मी माता को आगमन के लिए बुलाओ यार, महालक्ष्मी को पूजन करो, नशा नहीं करना चाहिए, जो शराब लोग पी करके
दिवाली की पार्टी करते हैं, दिवाली की पार्टी नहीं करें। दिवाली अगर पार्टी करना है तो आप क्या करें, घर में फूल से सजाएं और नाना प्रकार के भोजन को बनाएं, भगवान को अर्पण करें, भगवान कृष्ण और राधा रानी को अर्पण करें, महालक्ष्मी माता को, भगवान विष्णु जी को अर्पण करें, कुबेर जी को अर्पण करें, भगवान धन्वंतरी को अर्पण करें। और आज के दिन कोई भी नशा पान नहीं करें। आज के दिन प्रतिज्ञा लें कि खान पान का ध्यान रखेंगे तो निश्चित तौर पर आरोग्य के देवता भगवान धन्वंतरी प्रसन्न होंगे, दीर्घ आयु की प्राप्ति होगी। तो आज के दिन क्या नहीं करना है, आज के दिन अपने घर में काम करने वाले लोगों को खाली हाथ घर से नहीं भेजना। क्या नहीं करना है, नशा पान नहीं करना, जुआ नहीं खेलना। और बिल्कुल इन चीजों का हमारे दर्शक जरूर ध्यान रखेंगे। शैलेश जी, एक बार पूजा की विधि में किन चीजों का ध्यान रखना है वो भी जरा बताइएगा, और क्या सामग्री इस्तेमाल की जाए। देखिए, पूजा की विधि में भगवान कुबेर जी का पूजन होता है, श्री यंत्र की पूजा होती है। सबसे पहले पंचोपचार विधि से भगवान को स्नान कराते हैं, नॉर्मल जल से स्नान कराते हैं, गंगा जल से स्नान कराते हैं, दूध से स्नान कराते हैं। इसके बाद भगवान के ऊपर हल्दी, रोली, अक्षत चढ़ाते हैं और नाना प्रकार के जो महामंत्र हैं उस महामंत्र के उच्चारण से भगवान को प्रसन्न करते हैं, भगवान को पुष्प चढ़ाते हैं। आज के दिन खोए और मेवे का प्रसाद चढ़ाते हैं भगवान को। भगवान के सामने जो आपने वर्ष भर कमाया है उस धन को सामने साक्षात रखते हैं जी। और भगवान को अर्पण करके और बोलते हैं, हे प्रभु, उत्तरोत्तर इस धन में वृद्धि करो ताकि इस कलिकाल में जो मेरा जीवन है जी, वह सुगमता पूर्वक कट सके, जीवन में किसी भी तरह का आर्थिक कठिनाइयां ना आए। इस प्रकार करके भगवान को मौली चढ़ाते हैं, भगवान को वस्त्र चढ़ाते हैं, भगवान को इत्र चढ़ाते हैं, सुगंधित तेल चढ़ाते हैं, कमल पुष्प चढ़ाते हैं, पांच प्रकार के नाना प्रकार के पुष्प चढ़ाते हैं, भगवान को अंत में भोग लगाते हैं, भगवान की आरती करते हैं। और इसके बाद भगवान को नाना प्रकार के जो महामंत्र जैसे ओम कुबेराय नमः, ओम वितेश्वराय नमः, ओम महालक्ष्मी नमः, ओम श्री माता श्री महाराज श्रीमत सिंहासनेश्वरी चिदग्निकुंड संभूता देवकर समुद्यता उद्यत भानु शस्त्रावा चतुर्बाहु समन्विता राक्ष रूपाषाढ़ क्रोधाकार अंकुशोजला, इस प्रकार के महात्म सुंदरी का महामंत्र। इसके अलावा ओम हिरणवर्णाम हरणिम स्वंदरस्त्रजाम चंद्राम हिरणमयम लक्ष्मी जातवेदो आवा, महालक्ष्मी का श्री सूक्तम का या 16 श्लोक का महामंत्र का पाठ करें, विधि विधान से भगवान को जो है स्नान कराएं, भगवान को सुगंधित तेल लगाएं, पुष्प चढ़ाएं, फल चढ़ाएं, मेवा चढ़ाएं। बिल्कुल शैलेश तिवारी जी, आपने बहुत ही अच्छे से हमारे दर्शकों को बता दिया कैसे पूजा करनी है, किन किन सामग्री का इस्तेमाल करना है। एक बात और जरूर, पूजा का शुभारंभ में संकल्प लेना नहीं भूलें। संकल्प विधि विधान से करें, जो मन में कामना है उस संकल्प को लेकर के, और अंत में संकल्प सिद्धि रस्तु, संकल्प सिद्धि रस्तु, तभी आपका संकल्प सिद्ध होगा। और आज के दिन जो विशेष मुहूर्त है वृषभ लग्न, सायंकाल 5:47 से लेकर के 7:47 रात्रि में जो महामुहूर्त है, और उसके अलावा सिंह लग्न का, स्थिर लग्न का मुहूर्त है, इनमें पूजन करें। और साथ ही साथ मित्रों, इसमें अगर आप खुद से नहीं पूजा कर सकते तो सुयोग विद्वान ब्राह्मण को अपने घर पर बुला करके पूजा कराएं। शंख के भी पूजा का विशेष महत्व है, आज के दिन शंख की पूजा होती है क्योंकि शंख जो है महालक्ष्मी के भाई। जी शैलेश जी, बहुत ही शुक्रिया, आपने दर्शकों को बहुत ही अच्छे से एक एक चीज बारीकी से बताई। तो अगर आप भी अपने घर में पूजा कर रहे हैं तो आप इन चीजों का जरूर खासतौर पर ध्यान रखें, और जो मंत्र बताए शैलेश जी ने उनका भी आप जरूर जाप करें। बहुत शुक्रिया सभी का जुड़ने के लिए। जी, व्रत को पूर्ण करता हूँ। जी जी।